प्राकृतिक सुंदरता से भरे छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए फरवरी महीना बहुत ही अनुकूल होता है। इन दिनों चित्रकूट जलप्रपात पहुंच रहे पर्यटक बेहद लुत्फ उठा रहे हैं। चित्रकूट न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। इंद्रावती नदी में 90 फीट का प्राकृतिक झरना है, जहाँ नौका विहार से जलप्रपात के पास जाना पर्यटकों के लिए बेहद सुखद और रोमांचकारी अनुभव होता है। नाविक और पर्यटकों से बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। राम बघेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पे दिन में सैकड़ों लोगों को नौका विहार कराते हैं और वहां पे ले जाते हैं झरना के पास में, जहां से जाने पे लोगों का दिल थम जाता है, डर का आभास होता है। ऐसे जगह से झरना के फवारा के बीच से निकाल के लाते हैं, तो इनको कितनी कठिनाई होती है उन्हीं से जानते हैं। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इंद्रावती नदी कितनी गहराई में है अभी हमें आप मौजूद है? वो गहराई बहुत है, यहाँ पे 100 फीट तक पानी है नीचे में गहराई, और क्या बताऊँ। कब से आप लोग ये कर रहे हैं, कितने समय से? तो बचपन से कर रहे हैं, चलाते हैं नाव, बोटिंग करवाते हैं बचपन से। आप झरने के पास जाते हैं तो कितना खतरनाक समय रहता है? अपन को तो कुछ नहीं है, अपन को आदत हो गया है, वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं बाकी पर्यटक लोगों को दिखाने के लिए। वहाँ बहुत मजा आता है बोलते हैं, हम लोग तो हर बार हर ट्रिप में भीगते ही रहते हैं। लोगों से चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या राय है इसको लेकर? मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आए आप लोग? हम जगदलपुर से आए। जगदलपुर से? हाँ। कितने देर से घूम रहे हैं आप यहाँ पे आप लोग? लगभग अभी 1 घंटे हो गए हैं। कैसा लग रहा है नौका भी? डर लग रहा है कि मजा आ रहा है? डर नहीं लग रहा, मजा आ रहा है। लोगों के लिए क्या कहेंगे? कि उनको एक बार ये ट्राई करना चाहिए, आना चाहिए। छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ है, उसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? शुभम पटेल। कैसा लग रहा है नाव में आपको? अच्छा लग रहा है। डर नहीं लग रहा है? नहीं।